हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हाइट चिकन पुलाव बनाना बता रही हूँ। हमने 1 kg चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है। चावल हमने इस मग से 2 मग लिया है। 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट लिया है। 1 छोटे ताजे नारियल के टुकड़े को हमने बारीक काट लिया है और 8 से 10 बादाम ले लिया है, जिसे हल्का सा गर्म पानी में डाल के हमने उसके छिलके निकाल लिए हैं। नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही ले लिया है और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच स्याह जीरा, 6 से 7 लौंग। हमने यहाँ 10 हरी मिर्ची ली है। आप अपने हिसाब से जितना भी तीखा खाना चाहते हो आप बढ़ा या घटा सकते हो। 4 तेज पत्ते ले लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। आइए अब हम इसे बनाते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने 1 बड़ा बर्तन लिया है, उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अभी हमें प्याज डालनी है और बहुत ही कम डालेंगे, क्योंकि हमें ये गार्निशिंग के लिए हमें गोल्डन ब्राउन प्याज चाहिए। इसमें हम 2 हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, इसे भी 1 सेकंड के लिए गर्म कर ले। हमने ये गोल्डन ब्राउन प्याज को निकाल लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। इसी तेल में हम थोड़ा सा नारियल और ये बादाम को भी हल्का सा फ्राई कर लें। इसे भी निकाल लेते हैं। बादाम और नारियल और बची हुई हरी मिर्च को हम इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें। ये हमने नारियल और बादाम और हरी मिर्ची का बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है, जिसमें हमने प्याज तला था उसी बचे हुए तेल में हम सब तले खड़े गरम मसाला डाल देते हैं। दालचीनी, लौंग, जावित्री, एक सेकंड के लिए चला लें। अब इसमें प्याज डाल दें। प्याज को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई ही रहने देना है। प्याज हल्की सी फ्राई की है हमने, इसे ज्यादा नहीं करना है। अब हम चिकन डाल देंगे। नमक डाल दें। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें काली मिर्च पाउडर, हरी काली मिर्च भी डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 5 से 10 मिनट अच्छे से तेल आग में भून लें।
जब तक 10 मिनट चिकन फ्राई होता है हम चावल को धोकर रख लेते हैं। 10 मिनट तेज आंच में भूनने के बाद अब हम इसमें दही डाल देते हैं, गरम मसाला पाउडर, इसे भी अच्छे से भूनते हैं। दही डाल के भूनने के बाद अब हम इसमें बादाम, हरी मिर्च और नारियल का पेस्ट डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लें। एक मिनट तक भूंज लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने चावल 2 मग लिया था और हमें पानी 4 मग डालना है, चावल के जस्ट डबल हमें पानी डालना है। नमक डाल देते हैं, नमक हम पहले चिकन में भी डाल चुके हैं इसलिए हिसाब से डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करके इसे ढक देते हैं उबाल आने तक। पानी में उबाल आ गया है, इसे एक बार थोड़ा चला लें। अब ये हमने चावल धो के रखे थे इसे डाल देते हैं। हमें आंच को अभी फुली रखना है और इसे अच्छे से उबलने देना है। इसे हमें तेज आंच पर पकाना है, जब पानी बहुत कम रह जाएगा तब हम इसे दम में रखें। पानी कम हो गया है, हमने गैस को सिम कर दिया है और इसे हम बड़े से छोटे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और ढककर कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। अभी हम थोड़ा घी डाल देते हैं ऊपर से, इसे हम ढक देते हैं। ढक के इसे सिम में हम छोटे बर्तन में इसे शिफ्ट कर देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, हम गैस बंद कर देते हैं। इसे कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही दम में रखे रहने देंगे, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। व्हाइट चिकन पुलाव तैयार हो गया है, हमने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है और हमें इसे थोड़ा ही गार्निशिंग करनी है, क्योंकि ये व्हाइट चिकन पुलाव है तो भाई व्हाइट तो दिखनी चाहिए। थोड़ी सी हम ब्राउन प्याज डाल देते हैं और हरी मिर्ची और मिनट, एक चिकन पुलाव बहुत ही टेस्टी बना है। हमने यहाँ बूंदी का रायता और सलाद रखा है, अगर ये सब ना भी हो तो आप ऐसे ही खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी है, आप घर पर जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।